नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हाइड्रेंजिया को प्रोपेगेशन करेंगे। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर में दिख रहे हैं, ये हाइड्रेंजिया का पौधा। हम हाइड्रेंजिया के बारे में ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले तो ये मेरा हाथ में आप देख सकते हैं, एक छोटा सा गमले में किस तरह से इसने फूल दे के बैठा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है ये हाइड्रेंजिया का। अगर आप गार्डनिंग में शौक़ रखते हैं और आपने हाइड्रेंजिया अभी तक नहीं लगाया है, तो मेरे ख्याल से आप गार्डनिंग उतना अभी तक करे नहीं है। तो फिलहाल हम हाइड्रेंजिया को प्रोपेगेशन करने के लिए हमें किस चीज़ का ज़रूरत है और हम कौन सा समय में इसको प्रोपेगेशन करते हैं। तो हम हाइड्रेंजिया को प्रोपेगेशन जून या फिर जुलाई के मौसम में कर सकते हैं। ये महीना में जैसे कि बारिश का मौसम रहता है, इस समय में इसको बहुत ही बढ़िया रहेगा प्रोपेगेशन करने के लिए। हम प्रोपेगेशन के लिए जिसमें फ्लावर ना हो, जिसमें फूल ना खिला हो, उस ब्रांचेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा फूल को भी कोई नुकसान ना हो, पौधे को भी कोई नुकसान ना हो और हम इससे आसानी से प्रोपेगेशन कर सके। अब मैंने यहाँ पे इसका कटिंग ले लिया है। ऐसा करके मैं एक पौधे से कितना सारा कटिंग लेता हूँ आप देख सकते हैं। अभी इसमें भी नहीं है, इसका भी लेता हूँ और इसका जो नीचे का हिस्सा रह गया उसका भी मैं कटिंग लेता हूँ। ये करीबन आपको लग रहा होगा शायद कि बहुत ही छोटा मैंने ले लिया, लेकिन फिर भी इसका भी प्रोपेगेशन बहुत ही बढ़िया रहता है। हम इसको और भी कटिंग ले सकते हैं, इसका मतलब 3 इंच का या फिर 2 इंच का कटिंग ले सकते हैं और नीचे के पत्तियों को हम साफ़ करेंगे ताकि इसको मिट्टी के अंदर में जाते वक्त में कोई भी पत्तियों ना लगे। इस तरह का आप कटिंग ले लीजिए और मैंने ऐसा करके कई सारा कटिंग ले लिया है। मैं सभी कटिंग को साफ कर देता हूँ नीचे की पत्तियों को। इसमें आपको कोई भी रूट हार्मोन को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा छोटा से छोटा जिसमें पत्ती भी ना हो वैसा कटिंग को भी आप ले सकते हैं। ये गार्डनिंग नॉर्मल सोइल जो आपका गार्डन में या फिर जो वेस्ट सोइल होता है, एक बार आपने किसी पौधे को वो लगा के गमले खाली करके आप ऐसा सोइल में भी लगा सकते हैं। और मैं आपको वाइट कलर का ऐसा पॉलीबैग रिकमेंड करूँगा क्योंकि रूट इसका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रहता है। और देखिए 60 दिनों के अंदर में, खैर ये मेरा दूसरा है जो मैंने अभी कटिंग लगाया है, वो नहीं दूसरा है, लेकिन 60 दिनों के अंदर में आपका पौधे में कुछ इस तरह से रूट आना शुरू होता है। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को